नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल सदस्य में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो साइड में कार्टून इसके होंठ हिल रहे हैं और पलके अप डाउन हो रही हैं, दोस्तों बस यही आज हम सिखाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम हमें अवतार मेकर ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम उदाहरण के लिए दूसरा पिक्सार्ट है, तीसरा बीजी इरेजर है जो बैकग्राउंड इरेज करेगा, और चौथा एप्लीकेशन है दोस्तों काइन मास्टर जो सबसे मेन है। तो चलिए हम ओपन करते हैं अवतार मेकर एप्लीकेशन। दोस्तों, इसमें मेल या फीमेल सिलेक्ट करेंगे, हम फीमेल सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसमें हमें लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको स्क्रीनशॉट मार ले रहे हैं। ये वाला इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये वाला दोस्तों, हमें एक लिप्स को मूवमेंट कराने के लिए हमें तीन लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम तीनों का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अभी हम इसको क्रॉप करेंगे, पिक्सआर्ट में जा कर के इसको हम क्रॉप कर ले रहे हैं। सबप्रथम इसको हम क्रॉप कर लेंगे, और वहाँ एरो जो निशान है कॉर्नर पर, उसको हम दबाकर सेव कर लेंगे इसको। तो गैलरी में सेव कर दिए, पहले पिक्चर सेव हो चुकी है। अब इसके बाद दूसरी इसी प्रकार क्रॉप कर लेंगे। इसको भी क्रॉप कर लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कार्टून के लिप्स कैसे मूवमेंट करते हैं। दोस्तों, ये एक मोबाइल से है, इसको भी क्रॉप कर लेंगे। इसमें बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं, जो हमें इरेज करने में मदद करेगा। दूसरा क्रॉप कर चुके हैं, अब तीसरा कर लेंगे इसी प्रकार। अब बीजी इरेजर में जाएंगे, इसको इरेज करेंगे तीनों इमेजेस को। स्टार पर क्लिक करेंगे, गैलरी पर क्लिक करेंगे, और हमारे जो तीन इमेज क्रॉप किए थे उसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बैकग्राउंड इरेज करेंगे, डन करेंगे, और यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो हमारा बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा सिर्फ माउथ बचा हुआ है, इसको सेव कर लेंगे। बैक आएंगे, सेव हो गया, डिसमिस करेंगे, बैक आएंगे और दूसरा इमेज लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही होगी तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। इसको भी उसी प्रकार बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे।
और सेव कर लेंगे। डिसमिस करके बैक आएंगे, तीसरी इमेज को भी सिलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड इरेज कर लेंगे। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से चलेंगे सीधे इस एप्लीकेशन का काम ख़त्म। अब चलेंगे दोस्तों मेन एप्लीकेशन काइन मास्टर में। इसको ओपन करेंगे, प्लस पर 69 पर जाएंगे, बैकग्राउंड ले लेंगे एक, इसका कलर हम रखेंगे ग्रीन। दोस्तों ग्रीन रखने से हमें क्रोमा की मदद से बैकग्राउंड आसानी से इरेज हो जाएगा। लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और जो पिक्चर्स हम इरेज किए थे उसको पहले ये वाला ले लेते हैं। इसको खींच कर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद फिर लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और इरेज किया हुआ दूसरी पिक्चर उठा लेंगे और इस पे सेम साइज पर सेट करेंगे। और ये जो नीचे लेयर है दूसरे पिक्चर की, पहले वाले पिक्चर की लेयर से थोड़ा सा पीछे करेंगे या फिर आगे करेंगे। अब तीसरा भी माउथ उठा लेंगे, ओपन माउथ। अब नीचे वाले लेयर से थोड़ा सा आगे रखेंगे। वीडियो को आप देखते रहिए और अपने हिसाब से समझते रहिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हमारा माउथ चलेगा। अभी बहुत कुछ इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वीडियो स्किप तो करने की सवाल ही नहीं दोस्तों। स्किप करोगे तो इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम कर लेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा ये मूवमेंट कर रहा है। अब इसको तीन तरह का माउथ है, इसको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट कॉपी करके नेक्स्ट करते जाएंगे ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सके, माउथ थोड़ा समय तक चल सके। इसी प्रकार करते जाएंगे। देखिए दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों जितना हम बताने की कोशिश करेंगे वो पूरा हमारा तीन वीडियो में कंप्लीट होगा, इसलिए ये फर्स्ट वीडियो है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि अगली वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप कंप्लीट देख सकें। तो अभी इसको हम सेव कर लेंगे। अभी सिर्फ माउथ को सेव कर रहे हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम पलके को कैसे झपकाएंगे वो बताने वाले हैं। तो तीसरी वीडियो में हम पूरा कार्टून को बुला करके दिखाएंगे। तो अभी हम सेव कहाँ पर किए हैं दिखा देते हैं। तो ये रहा जो सेव किए थे माउथ को, इसको ओपन करके देख लेते हैं। डायरेक्टली काइन मास्टर पर चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ इस प्रकार है। इसको हम कॉपी करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे, साइज डुप्लीकेट डुप्लीकेट करके, ताकि थोड़ा समय तक तो आउट चले। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार चलेगा हमारा। अब आप कमेंट करके बता सकते हो ये बनाया हुआ है कि कोई, ऐसे लग रहा है कोई इंसान का ओठ हिल रहा है। तो दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि अभी पल के झपकाने वाली वीडियो आपके